फ्रेंड्स हमें क्या करना है, पहले एक शीट लेनी है एंड देन यहाँ पे जो भी आपने सर्कुलर शेप बनाने के लिए आपने जो भी लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे बैंगल यूज करा है तो यहाँ पे बैंगल रख के फिर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं। जैसा कि अब हम लोग ने ये सर्कल्स बना लिए हैं, अब हमको क्या करना है, इन सर्कल्स को कट करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने कटिंग्स कट कर ली अपने सर्कल्स की, आपको जिस भी साइज का रोज चाहिए आपको उस साइज का सर्कल कट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर हमको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से घुमाते हुए कट करना है, बिल्कुल ध्यान से कट करना है, जरा भी इधर उधर हुआ तो आपका रोज बिगड़ सकता है, इसलिए यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में जलेबी की तरह हमको जो है ऐसे कट करना है, इस तरीके से, बस यहाँ तक आपको लेके चलना है, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्कुलर मोशन में ये सारे पीसेस कट करके रखने हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने कटिंग कर ली है, अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करना है। अब हमें क्या करना है, ये इसको थोड़ा सा लूज रखना है, फिर ये जो हमारा नीचे का है इसको यहाँ पर हमको फेविगम लगाना है, फेविकॉल या फेविगम जो भी आप यूज कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा लूज कर देना, ये आपका ये देखिए ये रोज यहाँ पे रेडी हो जाता है इस तरीके से। इसी तरीके से आपको बाकी सब भी करना है। सो फ्रेंड्स ये हमारे हो चुके हैं रोजेस तैयार बिल्कुल, और ये जो हमारे आउटलाइनर्स रखे, अब हम इससे अपने रोजेस को डेकोरेट करेंगे। ओके, तो किस तरीके से डेकोरेट करना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले रेड कलर लिया क्योंकि रेड कलर के रोजेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके पास कलर शीट है आप तो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने कलर शीट से बनाया, मैंने व्हाइट शीट से बनाया है, तो यहाँ पे आपको देखना है इस तरीके से आपको जो है आउटलाइनर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे रोजेस रेडी हो चुके हैं और इनको मैंने सुखाने रख दिया है। इस तरीके के आप रोजेस बनाकर कलरफुल रोजेस और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मेरे पास शीट नहीं थी तो मेरे पास वाइट ही शीट थी, तो मैंने वाइट कलर के रोजेस बनाए और आउटलाइनर से डेकोरेट कर दिया। आप लोग कलरफुल शीट से ही बना सकते हैं और सिर्फ ग्लिटर आउटलाइनर का यूज़ कर सकते हैं उसमें शाइनिंग लाने के लिए। एंड इन रोजेस को हम ग्रीटिंग कार्ड्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपके किसी भी गिफ्ट पे यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी क्राफ्ट बनाने पे, या फ्लावर पॉट को सजाने में, किसी भी चीज़ को सजाने में, वॉल हैंगिंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन रोजेस का हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हमारा इतना ही था, आई होप आप लोगों को ये रोजेस बनाना आ गया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। टाटा बाय बाय, हैप्पी दिवाली।